Hi guys, welcome to an academy and welcome to this YT session on how to fill the BLAT application form step by step guys. तो गाइज बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जो ये BHU के बनारस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट्स आई हैं और जो ये पूरा फॉर्म रिलीज़ हुआ है तो इसको भरना कैसे है और इसको क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमको इसमें ध्यान रखनी है. तो आई एम मेकिंग टू वीडियोज़ ऑन द टॉपिक. फर्स्ट विल बी दिस एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हमको क्या क्या चीज़ों को इंश्योर करना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी. और सेकेंड वीडियो जिसमें मैं ये बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर या थिंग्स टू इंश्योर बिफोर यू गो फॉर योर ब्लैट एग्जाम. तो इन दोनों वीडियोज को मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा इन दिस विद द सेम वन आफ्टर अदर. तो आप दोनों वीडियोज़ को देख सकते हो बिफोर गोइंग फॉर योर ब्लैट एग्ज़ाम और बिफोर फिलिंग योर ब्लैट एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, तो मेरा नाम है दिव्य, मैं आपका अनअकैडमी पे क्लैट एडुकेटर हूँ. आई हैव बीन अ क्लैट एस्पिरेंट एंड एस्पिरेंट ऑफ सेवरल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक यू हैव बीन. आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 16 क्लैट 2016 और एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 17 इन आईलेट 2016. आई बीन मेंटोरिंग क्लैट एस्पिरेंट फॉर द लास्ट 4 years एंड हियर एट अनअकैडमी आई ट्राई टू मेक द क्लैट प्रिपरेशन सिंपल एंड सेंसिबल. अनअकैडमी पे प्लस के कुछ फीचर्स है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे यू कैन रेज हैंड एंड टॉक टू योर एडुकेटर इन द लाइव सेशन, यू गेट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एडुकेटर एंड एल यू एलमनाई. देर इज अ बैच फॉर ड्रॉपर्स पीपल हु आर टेकिंग क्लैट अगेन दैट इज रिसेंटली स्टार्टेड इन विच आई एम टेकिंग लॉजिकल रीजनिंग. देर इज ऑल्सो अ बैच फॉर क्लैट 23 स्टूडेंट्स. देन इफ एनी ऑफ यू विश टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आप सब लोग ये कोड यूज़ कर सकते हो टू गेट द एडिशनल 10% डिस्काउंट. और अनअकैडमी के ऐप पे आप जाओगे तो फ्री में यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्विजेस दैट आर हैपनिंग ऑन अ रेगुलर इंटरवल. यूलैट होता है, वीकली T20 टेस्ट होता है, मेगा टेस्ट सीरीज होती है स्टैटिक जीके पे. और अनअकैडमी चैनल जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. ओके, तो लेट अस गो टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन दैट द BHU हैज़ रिलीज फॉर द ब्लैट एप्लीकेशन फॉर्म. तो गाइस जब भी आप ब्लैट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओगे यू विल रियलाइज कि आपको bhuet.nta.nic.in पे जाना है. आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है? bhuet.nta.nic.in. आप वहां पर जाओगे तो यू विल फाइंड अ टैब कॉल्ड एज न्यू रजिस्ट्रेशन. प्लीज़ क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन. द एप्लीकेशन फॉर्म शुड मैंशन bhuet. There is a PGT and there is a UET. Since we are appearing for the undergraduate courses, हमको UET ensure करना है कि यहाँ पे हो और उसके बाद new registration पे click करना है. Once you click on the new registration, an application form like this will open. ठीक है, इसमें total 4 process होगी. There will be a registration, then there will be application form, then you will have to upload an image और फिर आपको fee को pay करना पड़ेगा. तो if you are a general EWS on और OBC नॉन क्रीमी लेयर पर्सन, आपकी फीस होगी 600 rupees फॉर योर ब्लैट एप्लीकेशन फॉर्म. और इफ़ यू आर एन SC ST और अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और अ पर्सन फ्रॉम द थर्ड जेंडर, योर फीस फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी 300 rupees. ओके, चलो तो ये क्लियर है यहाँ तक. फीस कितनी पे करना होगी? 600 rupees फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड फॉर अदर कैंडिडेट्स यू विल हैव टू पे 300 rupees एज योर फी. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब हमको पता है. ये सब मैं अपने वीडियो में भी मेंशन कर दूंगा, जो वीडियो होगा थिंग्स टू इंश्योर बिफोर यू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म. यहाँ पे आपको बड़ी केयरफुली डिटेल भरनी है, क्योंकि अगर एक बार आपने डिटेल भरी उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते. विल हैव टू फिल योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम. प्लीज़ इंश्योर ये सारे नेम आपके 10th की जो मार्कशीट होते उससे मेल खाते हैं. सो इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर स्पेलिंग फॉर योर नेम इन योर 10th मार्कशीट, द कैंडिडेट्स नेम शुड बी द सेम और एटलीस्ट इट शुड बी द सेम एज एनी वन ऑफ योर गवर्नमेंट ID. वो गवर्नमेंट ID आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में हमको उसको सबमिट करना पड़ेगा. योर डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिक्टली हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद योर 10th मार्कशीट. ओके, देन यू विल फिल योर जेंडर, आइडेंटिटी टाइप. आइडेंटिटी टाइप में प्लीज़ वही कार्ड भरना जिस कार्ड में अभी जो स्पेलिंग आप यूज़ कर रहे हो वो हो. देखो यार, ये चीज़ मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ बार बार क्योंकि अ लॉट ऑफ यू मे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एट इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स. कई बार इंडिया में ये हो जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कभी कभी स्पेलिंग गलत हो जाती है. तो हम जो भी हमको स्पेलिंग हमारी अडॉप्ट करना है वो उस डॉक्यूमेंट में सही होनी चाहिए. ठीक है, ओके. और जो भी आपका गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो आपको पुट करना है, जैसे आधार कार्ड नंबर हो सकता है,
आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर हो सकता है, योर पासपोर्ट नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन अकॉर्डिंग टू दैट आईडी कार्ड वॉट एवर योर एड्रेस इज, प्लीज उस एड्रेस को भर देना। एंड योर एड्रेस हैज़ टू बी करेक्ट बिकॉज BHU विल यूज दिस एड्रेस, द NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल यूज दिस एड्रेस टू करस्पॉन्ड विद यू, है ना। तो प्लीज़ इंश्योर कि ये आपका भी एक्टिव एड्रेस हो, ऐसा नहीं हो कि ये पुराना कोई एड्रेस है जहाँ पे अभी अगर कोई आपको पोस्ट करता है तो विल नॉट बी एबल टू एक्सेस। तो प्लीज़ ये इंश्योर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। ये परमानेंट एड्रेस है, ये प्रेजेंट एड्रेस है। तो प्रेजेंट एड्रेस अभी आपका करस्पॉन्डेंस वाला एड्रेस होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस जो होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू योर गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। कई केस में मोस्ट ऑफ यू, फॉर यू बोथ ऑफ देम विल बी सेम, तो यू विल चेक दिस बॉक्स। अगर आप ये बॉक्स को अनटिक करोगे तो द सेम फील्ड्स विल ओपन और इन सारे फील्ड्स को आप भर सकते हो। एंड यू विल चूज अ पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी पिन, एंड देन यू विल सबमिट दिस फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है प्रोसेस, आपको ये सबमिट कर देना है। उसके बाद वंस यू सबमिट, दे विल गिव यू अ डिस्क्लेमर कि अभी सबमिट करना है तो प्लीज़ रिव्यू कर लो अपनी डिटेल्स को। ये पूरा ऐसे डिटेल्स आ जाएंगी, उसको अच्छे से रिव्यू कर लेना। प्लीज़ मेक श्योर यू आर रीडिंग इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे चल करके। देर इज़ नो वे हम उसको चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज करना भी पड़ा तो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसलिए इंश्योर करो कि शुरू में ही आप लोग उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हो, है ना। और उसके बाद इट विल डायलॉग बॉक्स विल ओपन वेयर इट विल आस्क यू डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, एंड यस, अगर आपकी पूरी डिटेल मैच खाती है तो यस कर देना, वरना आप नो करके उसको वापस एडिट कर सकते हो। इफ़ यू आर श्योर कि हाँ आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी पक्की है, तब आप उसको यस करोगे। यस करने के बाद इन द नंबर दैट यू हैव गिवन, आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ये एप्लीकेशन नंबर आएगा। ये एप्लीकेशन नंबर का मैसेज आपको संभाल करके रखना है, है ना। आई विल सजेस्ट वन थिंग कि आप ये नंबर है ना किसी को अपने घर में जो भी हो, फैमिली ग्रुप हो, पापा हो, मम्मी हो, उनको व्हाट्सएप भी कर देना, ठीक है। कई बार टेक्स्ट मैसेज हैव अ फनी हैबिट ऑफ गेटिंग लॉस्ट, तो प्लीज़ इंश्योर करो कि आप अपना ये एप्लीकेशन नंबर संभाल करके रख रहे हो। जब आपने एप्लीकेशन नंबर संभाल लिया, उसके बाद भी अभी अपनी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। वी हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म बट दिस इज जस्ट 1/4 ऑफ द टोटल प्रोसेस। अभी फी भी तो पे करना है ना, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है, ये कंप्लीट हो चुका है। अभी अपने को अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, और एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट भी करना है। चलो, तो क्या करना है अपने को, ये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, है ना। उसमें आराम से सारी डिटेल्स अपने को करनी है। लगभग ये एप्लीकेशन फॉर्म में वैसी ही डिटेल्स होगी जैसी अपने को करनी है, ठीक है। द ओनली चेंज विल बी कि वी विल हैव टू सेलेक्ट द प्रोग्राम दैट वी आर अपेयरिंग फॉर। सो जैसे अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BLLB ऑनर्स का भी प्रोग्राम है, आपको उसको क्लिक करना है ना। तो जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए क्लिक करना है। ये जो BHU का फॉर्म है, दिस BHU फॉर्म इज़ फॉर एवरीवन, है ना। जो BHU बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लगभग सारे टाइप के कोर्स उसमें हो जाते हैं। तो BHU में जितने प्रोग्राम हैं उन सब के लिए ये कोर्स है ना। बस आपको अपने को जो अपन प्रोग्राम के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, यू मे इधर भी फिलिंग इट फॉर BLLB और यू मे भी फिलिंग इट फॉर LLB, ठीक है। तो जो भी आपका रेलेवेंट प्रोग्राम है उसको क्लिक कर देना, बाकी सब सिंपल फील्ड्स हैं, आप उसको भर दोगे, सबमिट कर दो, है ना। यहाँ पे हमारा वापस से सेम प्रोसेस, रिव्यू कर लो, अच्छे से पढ़ना है, गलती नहीं हो सकती, देर इज़ नो स्कोप फॉर एरर। दो बार पढ़ो, जब तक श्योर नहीं हो तब तक पढ़ो, और उसके बाद इसको फाइनली सबमिट कर दो। यस इफ़ यू आर श्योर, नो इफ यू वॉन्ट टू एडिट एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव मिस्टेकनली फिल्ड इन करेक्टली, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके वंडरफुल। उसके बाद अब अपनी स्टेप टू आती है, वेयर वी हैव टू अपलोड आवर डॉक्यूमेंट, है ना। अपने को क्या क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो आपको दो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करनी पड़ेगी, है ना। एक तो आपका फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ में भी ये इंश्योर करना है कि आपका फोटोग्राफ या तो पूरा ब्लैक एंड वाइट हो या पूरा कलर हो, और मास्क में नहीं होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में मास्क है तो प्लीज़ इंश्योर करना कि 80% ऑफ द फेस इज़ विजिबल। एट लीस्ट आई रिपीट, 80% ऑफ योर फेस शुड बी विजिबल ऑन योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओके। फिर उसके बाद अपना एक कोरे कागज पे सिग्नेचर करके सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना, ठीक है। प्लीज़ यार ये कोशिश करना कि इट शुड बी अ वाइट, कंप्लीट वाइट पेपर इंस्टेड ऑफ अ रूल्ड पेपर, है ना। ऐसे लाइन वाले जो कॉपी होती है वहाँ पे सिग्नेचर करके अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ इंश्योर कि एक वाइट पेपर आपके पास हो, है ना। वाइट पेपर का सिग्नेचर कर देना, अपलोड कर देना। उसके बाद ये आपका फ़ोटो अपलोड हो गया, ये सिग्नेचर अपलोड हो गया है, है ना। चलो, उसके बाद क्या करना है अपने को, उसके बाद अपने को यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट में सेम प्रोसेस, श्योर हो तो भर दो, आपकी फ़ोटो है ना, किसी और का तो नहीं।
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बचपन में आप लोग ऋतिक रोशन की फ़ोटो डाला करते थे, शाहरुख खान की फ़ोटो डाला करते थे, राइट? ये मत करना, खुद की फ़ोटो डालना है। एग्ज़ाम देने जाओगे जब कंफर्म होगे, है ना? तो ऋतिक की फ़ोटो डाल दी और एग्ज़ाम जा रहा है देने कोई और, ये गलती हो गई तो एग्ज़ामिनर हप कर देगा। ओके चलो, उसके बाद अब अपने को अपनी तीन प्रोसेस कंप्लीट हो गई, और अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस आती है हमारी, एंड दैट प्रोसेस इज पेमेंट ऑफ फी। ठीक है, पेमेंट ऑफ फी बहुत सिंपल है, प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट में आपके पास सारे ऑप्शंस होंगे, यू कैन यूज़ डेबिट कार्ड, यू कैन यूज़ क्रेडिट कार्ड, यू कैन यूज़ UPI, है ना? ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो और उसके बाद पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट आई एम श्योर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना? बहुत ऑनलाइन पेमेंट करते हो आप लोग। ओके, फिर ये सैम्पल कॉन्फर्मेशन पेज है, यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, आपका नेम, कैंडिडेट का नाम, ये सब। इसको या तो PDF सेव कर लो, या फिर एटलीस्ट एक चीज़ इंश्योर करो आप लोग को क्या करना है कि इसका एक प्रिंट निकलवा के रख लेना। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ये एप्लीकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, दिस एप्लीकेशन नंबर इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ये आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो गया है एंड योर प्रोसेस इज़ कंप्लीट। ओके चलो गाइज, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस। आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन भी आ गई है, इसमें आपके कोर्सेज भी है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, एग्जाम सेंटर की सिटी की चॉइस भी है। हाँ, आपको जब कोर्सेज के लिए अप्लाई करोगे ना सेकेंड प्रोसेस में एप्लीकेशन फॉर्म में, तब आपको अपनी परीक्षा के केंद्र भी भरने हैं, द सेंटर, द चॉइस ऑफ योर एग्जाम सेंटर। तो जो चॉइस ऑफ योर एग्जाम सेंटर क्या होंगे, जो भी आपको करना हो, यू विल बी गिवन 4 चॉइसेस, है ना? और अकॉर्डिंगली आपको अकोमोडेट किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट योर फर्स्ट प्रेफरेंस, लेकिन कोशिश करना कि फर्स्ट के बाद सेकेंड भी ऐसी सिटी भरो जिसमें तुम जा सकते हो, है ना? ओके, तो गाइज आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। आई एम ऑल्सो मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर थिंग्स टू इंश्योर दैट बिफोर यू फिल योर ब्लड फॉर्म, प्लीज़ उसको भी देख लेना। इन दोनों वीडियोज़ को देखने के बाद ही आप अपना ब्लड का फॉर्म भरोगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स, कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ मुझे, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। समवन फ्रॉम अन अकेडमीज टीम विल ट्राई टू रिप्लाई टू एनी ऑफ योर क्वेरीज यू विल हैव। ओके, यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी प्रोफाइल की लिंक भी नीचे दी हुई है, आप दिव्य कुमार कर सर्च भी कर सकते हो अन अकेडमी पर जाके, एंड यू कैन वॉच माई वीडियो। वी हैव अ बैच फॉर ब्लैक कैंडिडेट्स के लिए हमारी एक बैच भी चालू हो गई, उसमें भी आप आ सकते हो। ओके गाइज, होपफुली आपको पसंद आया हो ये वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।